नवीनबे आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीनबे और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। खारघर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। सेवा फाउंडेशन इस यात्रा के मुख्य आयोजक है और तकरीबन 19 संस्थाओं के सहयोग से यह तिरंगा यात्रा संपन्न होने वाली है। यह यात्रा खारघर के उत्सव चौक से शुरू होकर खारघर से होकर फिर हीरानंदानी के यहाँ समाप्त होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक यह रैली चलेगी। यह इस यात्रा की 5वीं बारी है। यह यात्रा 26 जनवरी और 15 अगस्त को होती है। नवी मुंबई में इतनी बड़ी शायद से ही कोई यात्रा निकलती होगी। 500 से अधिक नागरिक इस यात्रा में सहभागी होते हैं। जात पात धर्म को भूलकर भाईचारा बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। इसी यात्रा के प्लानिंग को लेकर आज रविवार को खारघर के कैम्ब्रिज मोंटेसरी स्कूल में मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस वक्त किस तरह यात्रा संपन्न होगी और आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस तिरंगा यात्रा में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सहभागी होने के लिए आयोजकों ने आह्वान किया है। इसी को लेकर इस यात्रा के मुख्य आयोजक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने अधिक जानकारी दी है। सबसे पहले तो मैं नवी मुंबई आवाज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हर बार हमारे इस रैली को बेझिझक कवर करते हैं और देशभक्ति से ओतप्रोत हमारे जज्बे को नमन करते हैं। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये रैली सिर्फ एक संस्था की नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ये रैली में भाग लेने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी भाषा के हों, उनके भावनाओं को और उनकी देशभक्ति के जज्बे को मैं सबसे पहले सलाम करता हूं। जिन्होंने अभी तक, ये 5वीं बार हो रहा है, उन्हें जो है हमें सपोर्ट किया है। और हम लोग ये जो रैली करते हैं ये किसी भी तरह से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ नहीं है और बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने इसका नेतृत्व किया है इसे। और पूरे खारघर ही नहीं, पूरी नवी मुंबई में इसे सराहा गया है। हर जगह से लोग आकर जुड़ते हैं। ये सिर्फ सेवा फाउंडेशन का ही नहीं, इससे जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं, तमाम संस्थाएं जो हैं, तमाम व्यक्ति हैं जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और वैसे इस कार्यक्रम को जब शुरू किया गया था तो इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई थी, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी नेतृत्व में, किसी भी नेताओं में इतनी ताकत नहीं है कि उस तिरंगे के मान सम्मान को झुका सके। किसी मजहबी ताकत में इतनी ताकत नहीं है कि उस तिरंगे का सम्मान करने में अपने आप को, तिरंगे को झुका सके। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ना ही किसी मजहब पे टिका है, ना ही किसी सियासत की आकाओं पे टिका है। ये हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ शहीदों की चिताओं पे टिका है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये करते हैं। और इस बार हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएँ हमसे जुड़ी हैं और उन संस्थाओं को साथ में लेके हम हर साल ये कार्यक्रम करते हैं। और इन संस्थाओं के साथ में हर लोग नेतृत्व करते हैं, हर लोग आते हैं, अपने सजेशंस देते हैं और हर साल हम कोशिश करते हैं कि उस सजेशंस का प्रतिपालन करें। और आप सबसे मैं हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस गैर राजनीतिक तिरंगा यात्रा में आप ज़रूर सहभागिता लें और इस तिरंगा रैली को बड़े से बड़ा बनाएं, क्योंकि ये देश के लिए है। ये ना किसी धर्म, ना किसी मजहब, ना किसी प्रांत के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ देश के लिए है। ये रैली की शुरुआत हम, जैसे कि खारघर का एक सबसे बड़ा लैंडमार्क है उत्सव चौक, इस रैली को हम उत्सव चौक से शुरू करते हैं। और हर साल जो रैपिड एक्शन फोर्स है वहाँ पे, जो वहाँ के CO हैं, वो हम लोग का वेलकम करते हैं, हमारे जज्बे को सलाम करते हैं। और हर साल हम लोग एक तिरंगा झंडा देकर हम लोग उनका सम्मान करते हैं और उसके बाद वापस हम उसी जगह पर हीरानंदानी या उत्सव चौक पे उसको ख़त्म करते हैं। और इस रैली को हम पूरे खारघर में, पूरे खारघर के हर सेक्टर्स में लेके जाते हैं। और उसकी वजह ये है कि एटलीस्ट लोगों को इस तिरंगे के प्रति सम्मान में जगा सकूं। अगर मैं 10 लोगों को भी इस तिरंगे के प्रति उनके जज्बे को जगाता हूं तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, मेरी यही कोशिश रहती है। साथ ही साथ उपस्थित ईश फाउंडेशन की प्रेसिडेंट कीर्ति मेहरा, श्री समर्थ महिला मंडल अध्यक्ष अनु दुबे, संकल्प प्रतिष्ठान के अजय माली, इन्होंने भी इस यात्रा के आयोजन को लेकर अधिक जानकारी दी है। खारघर में 5वीं बार ये रैली होने जा रही है, जिसमें खास ये रहेगा कि पहले तो हमने इसमें सुरक्षा के हिसाब से हेलमेट कंपलसरी किया है सबके लिए, कि बिना हेलमेट के कोई भी इस रैली में भाग नहीं लेगा। वाइट ड्रेस कोड रखा है,
ताकि एक शांत जो है संदेश, शांति का संदेश हमारा जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि ये रैली जो निकलेगी पूरे तरीके से निकलेगी, लाइनबद्ध निकलेगी, ताकि लोगों को लगे कि एक समाज में बड़ा संदेश जा रहा है। और तीसरी बात हम इसमें की रखेंगे कि समाज में कोई ना कोई संदेश हम इस रैली के माध्यम से देना चाहेंगे। हम देखते हैं कि हर संस्था कोई ना कोई संदेश अपना अच्छा से अच्छा लेके आएगी, और मैं लोगों से भी अपील करती हूँ कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और एक अच्छे संदेश के साथ आएँ, ताकि हमारा जो संदेश है सब तक पहुँचे और इस रैली को करने का मकसद हमारा पूरा हो। मैं इस फाउंडेशन की तरफ से सभी को निवेदन करती हूँ कि इस रैली में आइए और इसका आनंद लीजिए। और ये जो रैली निकलती है, लोगों का इतना बड़ा संस्था है, इतनी बड़ी भावना है, राजेश श्रीवास्तव जी ने इतने लोगों को जोड़ा है कि सोचने की बात है, गर्व होना चाहिए इंसान को कि ये रैली जो निकालते हैं भारत देश में, ये तिरंगा झंडा लहराता है अपने भारत देशवासियों के लिए, तो इतनी शान की बात है आदमी को, लोगों को जोड़ना, साथ में ले जाना, ले आना, उनकी रक्षा करना बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है, क्योंकि हर इंसान में ये कैपेसिटी नहीं होती है कि एक आदमी को एक आदमी जोड़ सके। और आज राजेश श्रीवास्तव जी इतने लोगों को जोड़ा है कि कम से कम 5,000 पब्लिक वहाँ आती है, हम लोग साथ में रहते हैं, हेलमेट के साथ, नारे के साथ, पब्लिक के साथ, पूरी जो संस्था जुड़ती है यहाँ से, खारघर से निकलती है, वहाँ तक जाती है, और इतना अच्छा लगता है। लोगों को इसमें जात बात समाज नहीं देखना चाहिए, कोई भी धर्म का आदमी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, अपना तिरंगा हरा लहराना चाहिए। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उसमें सबको जुड़ना चाहिए और सबको बोलना चाहिए, आना चाहिए। हमें तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग जुड़ते हैं, आते हैं, और ये संस्था में मैं अभिमान करती हूँ कि आज भारत देश में एक नारी या एक जेंट्स हो, सबको जोड़ करके एक साथ रखना, ले आना, ले जाना, रैली इतनी बड़ी संस्था निकालना। सेवा फाउंडेशन तर्फे आणि त्यांचे जे आयोजक संयोजक बाकीचे जे संस्था आहेत, NGO आहेत, ग्रुप आहेत खारघरचे, त्यांच्यातर्फे दरवर्षीप्रमाणे ह्याही वर्षी तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात येत आहे। 5वी वेळ आहे, म्हणजे 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट आणि ही आता 5वी वेळ आहे। मी सुत्ता संकल्प प्रतिष्ठानचा सचिव, ही रॅली मी प्रत्येक वर्षी बघत आलेलो आहे। मी पहिल्यांदाच ह्या रॅलीला राजेशजींना आणि त्यांच्या सेवा फाउंडेशनच्या बरोबर, बाकी संस्थांबरोबर माझं संकल्प प्रतिष्ठान जॉईंट होत आहे, आणि आम्ही पहिल्यांदा त्यांच्याबरोबर ह्याच्यामध्ये सहभाग घेत आहोत। आम्ही बघितलेलं आहे याच्या अगोदरच्या 4 त्यांच्या बाईक रॅली, तिरंगा रॅली खूप नियोजनबद्ध शांततेत, कोणालाही त्रास न होता होत असतात, खूप छान नियोजन असतं। आणि त्यामुळे मी खारघरवासियांना माझ्यातर्फे, माझ्या संस्थेतर्फे, संकल्प प्रतिष्ठानतर्फे, माझ्या मित्रमंडळींना विनंती करेन की आपणही ह्या ऐतिहासिक खारघरच्या बाईक रॅलीमध्ये, तिरंगा रॅलीमध्ये आपला सहभाग नोंदवावा, आपण ह्याच्यामध्ये योगदान द्यावं। आणि जे काही आहे हा कोणताही पॉलिटिकल पक्षाचा कार्यक्रम नाही आहे, हा आपल्या जनतेचा कार्यक्रम आहे। 15 ऑगस्ट हा आपला भारताचा स्वतंत्र दिन आहे, आणि त्यानिमित्त आपण आपले पक्ष वेगळे ठेवून, जे आपले संस्था आहेत जे फक्त आणि फक्त समाजसेवा करतात, त्याचा सर्व संस्था एकत्र मिळून काम करतात, आणि त्यांच्या सेवा फाउंडेशननी ही सुरुवात केलेली आहे। राजेश श्रीवास्तवजींना मी माझ्या संस्थेतर्फे शुभेच्छा देतो, आणि मीही स्वतः येत आहे, तुम्ही ह्या सर्वांनी ही मी विनंती करतो। जय हिंद, जय भारत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अजित साधव के साथ श्वेता भोईर की रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज़।